Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 12th Indian Economy Development, Chapter Number 3, Liberalization, Privatization and Globalization, Anarchism. Topic Privatization. हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि लिबरलाइजेशन क्या होता है. एलपीजी का कंसेप्ट हमारी कंट्री में 1991 में आया. इसका बैकग्राउंड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और मैंने ये भी पढ़ा दिया आपको कि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, क्या रोल है, किस तरीके का रोल लिबरलाइजेशन एज अ रिफॉर्म हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट था लाना, किस तरीके का रोल प्ले करता है. आज हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, हमारी इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से इफेक्ट करता है. प्राइवेटाइजेशन, इट इम्प्लाइज शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन इंटरप्राइज. गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज. जब हमारी गवर्नमेंट की ओनरशिप शेड होती जाती, मतलब ओनरशिप मैन गवर्नमेंट के हाथों से जो रोल गवर्नमेंट करती थी प्ले, जो चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आती थी वो कंपनीज, जो गवर्नमेंट कंपनीज अब वो क्या हो रही है, वो प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट हो रही हैं. दो तरीके से हो सकती हैं. नंबर वन, बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज. गवर्नमेंट विड्रॉ कर ले अब पूरी तरीके से, वो प्राइवेटाइज कर दे उस कंपनी को और अपना कोई रोल ना रखे. सेकेंड, बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज. दूसरा तरीका है कि वो अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को सेल करते प्राइवेट सेक्टर में. नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज. बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ PSCs टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. आई रिपीट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, privatization of the public sector enterprise by selling of part of the equity of PSEs to the public. अगर public sector enterprise के कुछ part of equity वो हम sell कर दे PCS में to the public को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, disinvestment. The purpose of the sale according to the government was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. जो पर्पस है सेल करने का गवर्नमेंट का, वो ये है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट कर सके, इम्प्रूव कर सके. इट ऑल्सो इन्विसेज दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरल कैपेबिलिटीज कुल बी इफेक्टिवली यूटिलाइज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ PSUs. और एक चीज और उन्होंने इम्पोर्टेंट बताया कि जो प्राइवेट कैपिटल है एंड मैनेजरल कैपेबिलिटीज जो हैं, प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरल कैपेबिलिटीज जो हैं वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हों ताकि PSUs इम्प्रूव हो सकें, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या हैं वो इम्प्रूव हो सकें. The government envisage that privatization could provide strong impetus to the inflow of FDI. Government ये कहती है कि privatization करने से बहुत strong inflow हो सकता है हमारी fixed deposit investment में. The government has also made attempts to improve the efficiency of PSUs by giving them autonomy in taking managerial decisions. काफ़ी बार government ने attempts लिए हैं PSUs की efficiency को improve करने के लिए. उन्होंने उनको ऑटोनोमी दे दी है कि वो अपने मैनेजरल डिसीजंस खुद लें. फॉर इंस्टेंस, सम PSUs हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस सच एज महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास. कुछ PSUs को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को एक स्टेटस दिया गया है. स्टेटस कैसे, एज अ महारत्नास है या तो नवरत्नास और मिनी रत्नास, थ्री तरीके के नाम से, थ्री तरीके के स्टेटस उनको प्रोवाइड किए गए हैं इन प्राइवेटाइजेशन बाय गवर्नमेंट. वो क्या है, महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास. लेट्स सी ये क्या होते हैं. द फेमस नवरत्नास और नाइन ज्वेल्स इन द इंपीरियल कोर्ट ऑफ द किंग विक्रमादित्य, हु वॉज एमिनेंट पर्सन ऑफ एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड नॉलेज. In order to improve efficiency, infuse professionalism and enable them to compete more effectively in the liberalized global environment, the government identifies PSEs and declares them as Maharatnas, Navratnas and Miniratnas. जो फेमस नवरत्ना है, मतलब इंपीरियल कोर्ट ऑफ किंग विक्रमादित्य जो थे वो एक एमिनेंट पर्सन थे, एक्सीलेंट थे, वो आर्ट फील्ड में भी, लिटरेचर एंड नॉलेज फील्ड में
काफी एक्सीलेंट माना गया है उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, उनका प्रोफेशनलिज्म, इन सबको कम्पीट करने के लिए इफेक्टिवली, ताकि वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाए, बहुत अच्छे से इफेक्टिवली वर्क कर सके. इसलिए गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए ऐसे पीएससीज को और उनको डिक्लेयर किया एज अ महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास. दे वर गिवन ग्रेटर मैनेजरल एंड ऑपरेशनल ऑटोनोमी इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस to run the company efficiently and thus increase their profit. उन्हें बहुत सारे managerial and autonomic decisions लेने के लिए help किया गया, उनको autonomy दी गई कि वो अपने managerial and operational decisions को खुद ले सकें, ताकि company बहुत efficiently run करे और profit को अपने increase करे. Greater operational, financial and managerial autonomy has also been granted to profit-making enterprise referred to as mini ratnas. बहुत सारे ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड मैनेजरल ऑटोनॉमी दी गई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को, एंटरप्राइजेस को, ताकि वो रिफर्ड हो सके, वो स्पेशल स्टेटस ग्रांट कर सके एज अ मिनी रत्नास. बहुत सारी ऐसी कंपनीज को ऑफर दिए गए, ऑटोनॉमी दी गई, ऑफर इन द सेंस यहाँ पे कहने का मतलब ऑटोनॉमी दी गई, उन्हें छूट दी गई कि वो अपनी ऑपरेशनल, फाइनेंशियल एंड मैनेजरल डिसीजंस को ले सकें, ताकि अपने प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज को इन्हांस करें और उनको हम और उनको एज अ मिनी रत्नास रिफर किया जाए. द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर डिजिग्नेटेड विद डिफरेंट स्टेटस. जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उन्हें डिफरेंट स्टेटस डिजिग्नेट किया गया, उन्हें उसको स्टेटस दिया गया है. फ्यू एग्जांपल हैं इसके. नंबर वन, महारत्नास, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब क्या है, हमारे महारत्नास हैं. नवरत्नास आते हैं हमारे हिंदू एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड. मिनी रत्नास के अंडर आते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड. नेक्स्ट पॉइंट, मेनी ऑफ दीज प्रॉफिटेबल PSCs were originally formed during the 1950s and 1960s when self-reliance was an important element of public policy. बहुत सारे प्रॉफिटेबल PSCs जो कि फॉर्म हुए थे 1950 एंड 1960s में, जब सेल्फ रिलायंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जा रहा था पब्लिक पॉलिसीज में. दे वर सेट अप विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द पब्लिक सो दैट क्वालिटी एंड प्रोडक्ट रीचेस द मासेस एट नॉमिनल कॉस्ट एंड द कंपनीज देमसेल्व्स आर मेड अकाउंटेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स. इसको सेटअप करने का इंटेंशन ये था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे पब्लिक को, ताकि जो भी क्वालिटी एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में डेवलप हो रहे, वो नॉमिनल रेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और कंपनी खुद अपने स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबल हो, वो खुद अपने डिसीजंस खुद ले. द ग्रांटिंग ऑफ स्टेटस रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस ऑफ दीज कंपनीज. स्टेटस देने से क्या हो रहा था, इन कंपनीज की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत इंप्रूव होती जा रही थी डे बाई डे. स्कॉलर्स एलीज दैट इंस्टेड ऑफ फैसिलिटिंग पब्लिक इंटरप्राइज इन देयर एक्सपेंशन एंड इनेबलिंग देम टू बिकम ग्लोबल प्लेयर्स, द गवर्नमेंट पार्शियली प्राइवेटाइज देम थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट. बहुत सारे स्कॉलर्स थे ऐसे जहाँ पे फैसिलिटी दी गई पब्लिक इंटरप्राइज को कि वो एक्सपैंड करे और ग्लोबल प्लेयर्स यानी कि ग्लोबली वर्क करे, तो इसमें गवर्नमेंट ने पार्शियली, काफ़ी पार्शियल यानी कि 50% और कुछ परसेंट स्टेक होल्डर एज अ प्राइवेटाइज कर दिया था थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ऑफ लेट. डिस इन्वेस्टमेंट जब सेल करके करते हैं, पार्ट ऑफ इक्विटी को जब वो सेल करते हैं. ऑफ लेट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिटेन देम इन पब्लिक सेक्टर. बाद में उन्होंने देखा कि उनको रिटेन किया पब्लिक सेक्टर में एंड इनेबल देम टू एक्सपैंड देमसेल्फ इन द ग्लोबल मार्केट. और उनको इनेबल किया, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज दी कि वो खुद एक्सपैंड करे ग्लोबल मार्केट में, रिसोर्सेज को रेस करे बाय देमसेल्फ फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट. उन्होंने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो रिटेन करें उनको पब्लिक सेक्टर में, एक्सपैंड करें उनको, एक्सपैंड करें वो खुद अपने आप को, अपनी कंपनीज को ग्लोबल मार्केट में, किस तरीके से रिसोर्सेज को रेस करें फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से वो कंपनीज खुद ग्लोबल मार्केट में एक्सपैंड हो. तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि प्राइवेटाइजेशन का क्यों रोल था, प्राइवेटाइजेशन करने से क्या हेल्प मिली, हमारी कंपनीज की ग्रोथ बढ़ती चली गई, हम उनको तीन तरीके के स्टेटस देने लगे, महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती रही और ग्लोबली भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता रहा.
तो आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी मैं अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से भी जाके अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और किसी भी तरीके का डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, 11th 12th के तो टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, 4th सब्जेक्ट्स हमारे 11th के हैं, 4 सब्जेक्ट क्लास 12th के, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बहुत इजीली अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। डाउट्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तो वो एक डाउट कई टाइम तक आप, और जब वो एग्जाम में आता है देन यू फेस किए अरे काश पूछ लिया होता। तो किसी भी तरीके का डाउट हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, अपने डाउट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एट द लास्ट आई वॉन्ट टू से द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड is getting started. I repeat myself, the secret to getting ahead is getting started. And yes, don't forget to press the bell icon. कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए. Believe in yourself. Thank you.